आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोरोना के दिनों में मैं कहाँ जा रहा हूँ। वेल, बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने अपने दोस्त की प्रोफाइल में कुछ वाटरफॉल की पिक्चर्स देखी और यकीन करें, मैं देखते सारी फ्लैट हो गया। इंटरनेट पे सर्च किया तो कुछ पॉसिबल आंसर्स ना मिले, तो सोचा कि बैग पैक किया जाए, कुछ दोस्तों को साथ लूँ और निकल जाऊँ देखने के लिए। इस्लामाबाद से हवेलियाँ का रास्ता ये कोई 1 घंटा 30 मिनट का है अगर आप मोटरवे से जाएं। हवेलियाँ पहुँचते हुए कुछ कबाब और नान लिए। कबाब कुछ ख़ास नहीं थे, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी स्पीड का। और जो ख़ास था वो आप देखें ज़रा। हवेलियाँ से आपने सज्जी कोट की तरफ जाना है और वो रास्ता है ऑलमोस्ट 40 मिनट का। रास्ते में आपको एक छोटा सा डैम भी नजर आएगा जिसको क्याला डैम कहते हैं। रास्ते मुझे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे, वो शायद इसीलिए कि इंसान जब किसी चीज से दूर होता है तो उसकी चाहत का अंदाजा तब महसूस करता है। ये है सज्जीकोट वाटरफॉल जो कि लॉकडाउन की वजह से टूरिस्ट के लिए बंद थी, इसलिए हम आगे चल पड़े पूना की तरफ। इधर थोड़ी सी आबादी है, टक शॉप है, नीचे पता नहीं घर वगैरह है। तो इसके साथ से ये रास्ता है जो नीचे जाता है अबशार की तरफ। बारिश के मौसम में नीचे उतरना थोड़ा सा रिस्की था क्योंकि जगह काफ़ी स्लिपरी थी। वैसे तो मेरे ख्याल में तकरीबन लगते हैं 30 मिनट, बट इस मौसम में हमें ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट्स लगे। गिरगिरा के नीचे पहुंचने के बाद ये एहसास होता है कि वाकई हाइकिंग वर्थ इट थी। एंड दोस्तों, वेलकम टू द अम्ब्रेला वाटरफॉल्स। इस जगह के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, यकीन है कि आपको भी पसंद आई होगी।
मगर एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि वहाँ की सफाई की जिम्मेदारी भी आपकी है। अल्लाह हाफिज़। मुबशर रमी वीडियो ना कैसे आप मेरी तो तुम बना रहे थे जब मैं गिर रहा था है? ये वीडियो मुझे ना मिली मैं मेरी तो तुम बना रहे थे जब मैं फिसल रहा था मुझे मेरी पिक्चर्स नहीं चाहिए वीडियो चाहिए। मुबशर पांच दफा उल्टियां करने के बाद ये बंदा आखिरकार ऊपर पहुंच आया है। मुबशर बैठ जाओ इधर बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ ये सीधी जगह बैठ मुझे लगा था मुझे कोई सांस है वो और कुछ भी नहीं ये पहुंच गया बैठ ये भाई ने एक मिनट बैठ इधर कैसे हैं भाई मैं तो भाई की स्ट्रेंथ चेक कर रहा बैठ जाओ इधर माशाल्लाह यार हमसे वैसे नहीं चढ़ने होता ये भाई दो बंदे लेके हैं माशाल्लाह यार 65 किलो का इंसान 65 किलो का इंसान उठा के